मेरे किसान भाइयों के नाम पर और गुना महिलाओं के साथ छेड़खानी का लगातार आरोप लग रहा है। आखिर गुनहगार कौन है? आंदोलन मेरे किसान भाइयों के नाम पर और गुना बलात्कार का गुनहगार कौन है? आंदोलन मेरे किसान भाइयों के नाम पर और गुना पुलिस के हथियारों से हमले का गुनहगार कौन है? आंदोलन मेरे किसान भाइयों के नाम पर और गुना लाल किले पर हमले का गुनहगार कौन है? आंदोलन मेरे किसान भाइयों का और गुना तिरंगे के अपमान का गुनहगार कौन है? आंदोलन मेरे किसान भाइयों का और गुना राष्ट्र के अपमान का गुनहगार कौन है? मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, ये वो सवाल है जो मेरे हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां लगातार पूछ रही हैं। ये वो सवाल है जो मेरे हिंदुस्तान की पुलिस लगातार पूछ रही है। ये वो सवाल है जो मेरे हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी लगातार पूछ रही है। ये वो सवाल है जो मेरे देश की संसद पूछ रही है और ये वो सवाल है जो मेरे देश का आम आदमी पूछ रहा है। मैं सरफराज सैफी ये पूछना चाहता हूं भाई राकेश टिकैत साहब से कि आपके पास कोई जवाब है? मैं सरफराज सैफी, मैंने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जाकर आंदोलन की धार देखी और इसका भटका हुआ रूप भी देख रहा हूं। मैंने गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर आंदोलन की धार भी देखी और आज इस पर अपराधियों का कब्जा होते हुए भी देख रहा हूं। मैंने सिंगू बॉर्डर पर जाकर इस आंदोलन की धार देखी और आज भी इस दबंगों का दबदबा देख रहा हूं। मैं सरफराज सैफी, मेरे किसान भाइयों के नाम पर राजनीति कर रहे चंद मुट्ठी भर लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप अपनी जिद छोड़िए, सरकार से बातचीत कीजिए, अपने घर जाइए, अपने खेतों में काम कीजिए और कितनी आईपीसी की धाराएं अपने ऊपर लगवाएंगे। आंदोलन के नाम पर अपराधियों का जमावड़ा, बलात्कार से लेकर जिंदा जलाने तक की वारदात, टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के बहादुरगढ़ के कसार गांव के किसान मुकेश मुदगल को जिंदा जलाकर मारने की दरिंदगी किसान आंदोलन की बेलगाम अपराध संहिता की एक कड़ी भर है। सच्चाई तो ये है कि किसान आंदोलन मुफ्त की शराब और मेवा मिष्ठान उड़ाने के चक्कर में आपराधिक प्रवृत्ति के बेवड़ों का महफूज अड्डा बन गया है और जब ऐसे बेवड़े एक जगह इतनी तादाद में इकट्ठे होंगे तो फिर अपराध का सिलसिला भला कैसे थमेगा। फर्जी किसानों ने बलात्कार किया, आंदोलन में शामिल बेवड़ों ने पश्चिम बंगाल से आई एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार तक कर डाला। आरोप है कि महिला इसी साल अप्रैल में जब दिल्ली के टिकरी बॉर्डर ट्रेन से जा रही थी उसी दौरान फर्जी आंदोलनकारियों ने उसकी अस्मत लूट ली। पीड़ित महिला ने बहादुरगढ़ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक बंगाली युवती जो तथाकथित किसानों को समर्थन करने वो आई थी बेचारी अपने अभिभावकों के साथ, उस युवती के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म, गैंग रेप और उसके बाद शी इज नो मोर, शी इज डेड, शी इज सकम्ड इन अ हॉस्पिटल और इस पे चुप्पी और इस रिपोर्ट में ये एक बहुत बड़े बड़े अखबारों में छपे हुए हैं सब। किसान नेता योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ थे, पुलिस को नहीं बताया। गणतंत्र पर ट्रैक्टर तंत्र का हमला, गणतंत्र दिवस के मौके पर तो किसानों ने हिंसा के सारे पैमाने छोटे कर दिए। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च का वादा करके पूरी दिल्ली में कोहराम मचा दिया और आखिर में लाल किले को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देशद्रोहियों की रिहाई की मांग, आंदोलन किसानों के नाम पर हो रहा है लेकिन इसी आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे देशद्रोह के आरोपियों की रिहाई के पोस्टर लहराए गए। ये किसान आंदोलन का शुरुआती दौर था, तब किसी किसान नेता ने इसकी आलोचना नहीं की, इसकी निंदा नहीं की। आतंकवादियों का महिमा मंडन, किसान आंदोलन के मंच पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को महिमा मंडित करने वाले पोस्टर लहराए गए।
खालिस्तान आंदोलन की आग लगाने वाले जर्नैल सिंह भिंडरवाले की शान में कसीदे गढ़ने वाली किताब का वितरण किया गया। खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की फंडिंग का वीडियो जगजाहिर हुआ, लेकिन राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे आंदोलन के रहनुमा मुंह पर ताला मारे बैठे रहे। आंदोलन में उड़ता पंजाब का मंजर। आंदोलन स्थल पर जब पिज्जा बर्गर की मशीनें आईं तो किसी को बुरा नहीं लगा। मेवा मिष्ठान के गुलछर्रे उड़ाए गए, उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन नशे में चूर होकर फर्जी किसानों ने जब आंदोलन स्थल को उड़ता पंजाब बना दिया तो सारा देश दंग रह गया। तब पहली बार लोगों के मन में सवाल उठा कि कौन कर रहा है फंडिंग, कहाँ से आ रहे हैं इतने ज्यादा पैसे। पुलिस पर तलवार से हमला। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इसी साल 29 जनवरी को फर्जी किसानों ने कुंडई की सारी सीमा लांघ दी। बेलगाम फर्जी किसानों ने पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में अलीपुर के एसएचओ प्रदीप कुमार समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फर्जी किसानों की इस गुंडई से पूरा देश अवाक था, लेकिन किसान बेपरवाह होकर आंदोलन जारी रखने की जिद पर अड़े रहे। लेकिन मुकेश मुदगल के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरा देश पूछ रहा है, आखिर कब तक चलेगी ये गुंडई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आंदोलन पहले दिन से जी हिंदुस्तान की टीम ने हर पहलू को कवर किया। मैं खुद मेरे किसान भाइयों के आंदोलन को करीब से देखता रहा हूं। जी हिंदुस्तान ने मेरे किसान भाइयों के हाथ में माइक दिया, मेरे किसान भाइयों की आवाज उठाई ताकि सरकार तक सीधी मेरे किसान भाइयों से संवाद हो सके, बातचीत हो सके। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हमें तब बहुत अफसोस हुआ जब मेरे किसान भाइयों के आंदोलन को गुंडों ने हाईजैक कर लिया, मेरे किसान भाइयों के आंदोलन को अराजक जीवियों ने हाईजैक कर लिया, मेरे किसान भाइयों के आंदोलन को अपराधियों ने हाईजैक कर लिया। मैं सरफराज सैफी भाई राकेश टिकैत साहब से ये पूछना चाहता हूं, लाल किला कांड की साजिश किसने रची, टूलकिट वाली साजिश किसने रची, हंगामे की साजिश किसने रची, हिंसा के लिए गुंडों का मास्टर प्लान किसने बनाया। मैं सरफराज सैफी उन तमाम किसान भाइयों का राष्ट्रवाद के जरिए शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस गैंग से तौबा कर ली और अपने घर वापस लौट गए, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, देश की तरक्की में लगातार हाथ बांट रहे हैं। जी हिंदुस्तान ने जो बोला वो सच हुआ। आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी फिर बेपरदा। बहुत हुआ, अब हमारे बॉर्डर खाली करो। किसान आंदोलन को देश विरोधियों ने जब चलाना शुरू किया, बॉर्डर पर बवाल बढ़ता ही गया। आंदोलन खालिस्तानी आतंकियों से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग तक की साजिशों का अड्डा बन गया। अय्याश गैंग भी मौके पर चौका मारने आ पहुंचा, लेकिन देश की आन बान शान बुलंद करने वाले किसानों के नाम पर जब लाल किला साजिश रची गई और फिर राजधानी को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई तो पूरा देश अवाक रह गया। हमारे रिपोर्टर्स और एंकर्स ने पूरी जिम्मेदारी से आंदोलन की महाकवरेज दिखाई, लेकिन आंदोलन में शामिल गुंडों ने हमारी महिला एंकर्स और रिपोर्टर्स से भी बदसलूकी की। किसानों के नाम पर टिकैत गैंग ने फसलें जलाने और अन्नदाता को आराजिश और बॉर्डर से बवाली गैंग की विदाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।